ओम नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बंधुओं, कल मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण हो। बंधुओं, मकर संक्रांति पे कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनका लाभ उसी दिन मिलना प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, मकर संक्रांति पावन पर्व है, यह हम सभी को पता है। अगर इस दिन अगर हम कुछ ऐसे उपाय करें जो कि दिखने में बहुत छोटे होंगे, सुनने में आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है, मगर इन उपायों को अगर आप उसी दिन करें मकर संक्रांति के दिन, तो काफ़ी लाभ मिलता है। हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताते हैं। पहला उपाय ये है कि जब आप सुबह उठें तो एक लौकी लीजिएगा। लौकी को यानी कि घिया को अपने सर के ऊपर घुमाइएगा, अपने ही हाथ से, सीधे हाथ से अपने सर पे घुमाइएगा 7 बार, और फिर उस लौकी को आप दान कर आ जाइएगा। दान आपको करना है शाम के 6 बजे से पहले पहले, स्नान करने के पश्चात, तो आप ये करिएगा। इससे क्या होगा, इससे ये लाभ होगा कि आपके जो बने बनाए काम बिगड़ते हैं या काम बन नहीं पा रहे हैं, अड़चनें आ रही हैं बार बार, वह चीज़ें कम होने लगेंगी, समाप्त हो जाएंगी। और एक लाभ और ये होगा कि यदि आप सफलता पाते हैं हर चीज़ में और लोगों की नज़रें आप पर रहती हैं, तो वह नज़रें भी आप पर नहीं लगेंगी, दुष्प्रभाव से भी आपको बचाएगा। बंधुओं, अगला उपाय ये है, यदि आप अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि चाहते हैं, अपने पारिवारिक रिश्ते में मिठास लाना चाहते हैं, प्यार घोलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में आए, तो उसके लिए आपको करना है यह उपाय कि गाय के गोबर का दीपक बनाकर उसमें पुराने गुड़ की दरी डालें। जी हाँ, आपको एक पुराना गुड़ रखना है उसके अंदर, और फिर उसमें आपको तेल भी डालना है। दीपक को जलाकर घर के मुख्य द्वार के बीच में रख दें, जो भी आपका मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उसके बीच में आपको यह रख देना है। आप इसका लाभ कल से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा यदि आपने ये सही तरीके से करा, जैसा जैसा हमने बताया है। इसका लाभ निश्चित ही मिलता है, घर में खुशियाँ आ जाएंगी, सुख समृद्धि छा जाएगी। अगला उपाय यह है, यदि आप धन प्राप्ति चाहते हैं, वे भी शीघ्र तेजी से धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप 5 पत्ते पीपल के लेकर उसे किसी सूखे हुए कुएं में डालाएं। जी हाँ, कोई कुआं हो जिसमें कोई पानी वगैरह कुछ ना हो, सूखा हो, पड़ा हुआ हो बिल्कुल ही, उसमें आप 5 पीपल के पत्ते डालाएं, और जब आप वापस घर आ रहे हो तो पीछे मुड़ के कतई ना देखें। तो बंधुओं, ये जो हमने उपाय बताए हैं, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कल के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन किए जाएं तो इनका लाभ उसी दिन से शुरू हो जाता है। और आप ये उपाय करिए, क्योंकि हमें तो जितने भी जातक हैं हमें बताते हैं कि उनको पिछली बार जब मकर संक्रांति आई थी तो उनको हमने यही उपाय बताए थे और उनको बहुत लाभ मिला था ये उपाय करने से। तो आप भी करिए और इसका लाभ उठाइए। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटी का एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको, उस पर भी आप क्लिक करें ताकि अगले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि समय कम है, कल मकर संक्रांति है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।